अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। साउथ अफ्रीका ने चौंका दिया आज, और अनबिलीवेबल ये क्या हुआ है। नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को, जो कि टूर्नामेंट की फेवरेट टीम नजर आ रही थी और बड़ा ही जबरदस्त खेल रही थी, कोई भी टीम इसको हरा नहीं पा रही थी। ऑस्ट्रेलिया क्या क्या मैं नाम लूं, लेकिन आज वो नेदरलैंड से हार गई है, तो ये हैरान कुर बात है और चौंका दिया। देखिए, हैरानी की बात ये है कि नेदरलैंड से ही हारने लग गए। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पिछले साल भी ये इन्हीं टीम से हारे थे, नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका हारी थी और आज भी हार रही है। जिस दिन से पाकिस्तान हारा है इंडिया से, तब से अपसेट पे अपसेट होने लगे हैं। अब ये इंग्लैंड का भी आप देखें, इंग्लैंड भी हार गया है और तो साउथ अफ्रीका भी आज हार गया है। ये हो क्या रहा है? ये देखें, जब एक अपसेट होता है ना तो साथ दूसरा अपसेट भी लेकर आता है। देखें, ये अपसेट बहुत बड़ा है भाई प्राण भाई, बल्कि देखें अफगानिस्तान ने तो चले हरा दिया और टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लेकिन नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका ने क्या नेदरलैंड से हारना स्टार्ट कर दिया है। ये साउथ अफ्रीका को एकदम से हो क्या जाता है, ये इतनी अच्छी टीम इतना अच्छा खेलते हुए अचानक इसको क्या ऐसा हो जाता है कि ये नेदरलैंड जैसी वीक टीम किसी टीम को वीक कहना नहीं देते, आज वो जीते हैं। लेकिन एक इंक्रेडिबल यार, ये वर्ल्ड कप भी 400 प्लस रन्स बना रहे हैं, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर आपने खड़ा किया है, और फिर आपसे जो है वो 207-8 जो है पे आउट हो रहे हैं, 245 नहीं चेज हो पा रहा, तो ये क्यों हाथ पैर फूल गए हैं। पाकिस्तानी टीम का भी यही मसला आया है और इंग्लैंड के साथ भी यही मसला आया है, तो क्या ऐसी चेंजिंग आ गई है इमरान पिचेस में, ये क्या ऐसा मसला हो गया यार। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा हो गया इमरान भी, देखें ऑस्ट्रेलिया भी अपने मैचेस हारा है और अब साउथ अफ्रीका ने भी हारना स्टार्ट कर दिया, इंग्लैंड ने भी हारना स्टार्ट कर दिया, तो पाकिस्तान टूर्नामेंट ओपन है। सबके टूर्नामेंट ओपन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एडवांटेज ये हो रहा है कि अगर पाकिस्तान अपने ये मैचेस जीत जाता है और अपसेट नहीं होता तो पाकिस्तान के चांसेस इससे बेहतर होंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन साउथ अफ्रीका जिसको पूरी पाकिस्तान में मुझे लगता है फरहान भी दूसरी सबसे पॉपुलर टीम है जो चाहती है पाकिस्तान ईवान के वर्ल्ड कप जीते, अगर पाकिस्तान नहीं जीते तो उन्होंने इतना अच्छा खेलते कितने अचानक ऐसी शॉकिंग रिजल्ट, ये बहुत बड़ा शौक है, ये सबसे बड़ा अब का शौक है वर्ल्ड कप का। और किस बारे में, इस बारे में मैच में बारे में ज्यादा तबसरा भी नहीं किया जा रहा था मैच से पहले, यही सोचा जा रहा था कि वन साइडेड है और लोग यही कह रहे थे कि जिसका भी जो भी रिजल्ट आता है इस मैच का वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो अभी तक पॉइंट टेबल में इमरान इसका फर्क नहीं आया। मगर ये एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर एकदम से इनकी टीम पे और बना है, ये अगर आज साउथ अफ्रीका जैसा एक्सपेक्टेड था, अगर आज साउथ अफ्रीका जीतता तो साउथ अफ्रीका टॉप कर जाता, इंडिया से भी आगे निकलने के चांसेस है, न्यूजीलैंड से भी आगे चांसेस, लेकिन ये हार साउथ अफ्रीका को बहुत डेंट डालेगी। पाकिस्तान होगी या ऑस्ट्रेलिया होगी, इन टीमों को ये बहुत, ये हार जो है वो फेवर करने वाली है। देखें, इतना अच्छा खेलते इतना अच्छा टूर्नामेंट खेलते खेलते, जब आपकी सब चीजें टिक हो रही हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अचानक से नेदरलैंड जैसी टीम के सामने घुटने टेक देना, सिर्फ 247, माना कि थोड़ा बारिश से रेन इफेक्ट मैच, और ये जो बारिश जो साउथ अफ्रीका को हमेशा हर वर्ल्ड कप में लेट डूबती है ना, ये मुझे समझ नहीं आती है। 43 ओवर्स का मैच हुआ है और साउथ अफ्रीका को ये डक पर बोल वाला ना, बारिश तो दोनों टीमों के लिए बारिश हुई है ना। देखिए, दोनों टीमों के लिए बारिश हुई है। अब आप ये देखें कि आप बिल्कुल ही ऐसे, आप जैसे बांग्लादेश या मतलब नेदरलैंड्स के खिलाफ आप खेल रहे थे, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे थे, इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे थे, आपने ऐसे घुटने टेक दिए हैं और आप 400 बना रहे हैं और फिर आप बिल्कुल ही गिरते जा रहे हैं, फ्लैट हो गए, बिल्कुल समय से बाहर है, और ये ऐसे ही करते हैं। इतना चौक नहीं करना चाहिए इनको, इस पे वर्किंग करनी चाहिए, और ये टूर्नामेंट के एंड पे जो है ये एकदम से जो ऊपर जाके नीचे आते हैं, इसको ये रवायत खत्म करनी पड़ेगी इमरान। ये देखे ना, यही तो मैं कह रहा था कि इस बार जो साउथ अफ्रीका है वो दूसरी तरह से आया है, एक नई उम्मीद जगाई थी उन्होंने, जिस तरह की दो पहले मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, उम्मीद आई थी कि इस बार साउथ अफ्रीका कुछ करने आया है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एकदम से अपना जो फ्लो चेंज कर देती है, हर एकदम से चौक कर जाती है, कोई भी प्रेशर सिचुएशन होती है वहां पर उनसे ये नहीं निपटा जा रहा है, ये बहुत बड़ा इनके लिए कंसर्निंग पॉइंट है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें एक लिहाज से खुश भी होना चाहिए, देखें पाकिस्तान के लिए फायदा हो रहा है, जितनी भी जो बड़ी टीम है जो कि टॉप फोर की दावेदार है, अगर वो नहीं आगे टीम मैचेस जीतेंगे तो इंडियन पाकिस्तान का जो फायदा होगा, अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका और क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए तो ये एक शॉकिंग न्यूज है। मगर बिल्कुल मिनान ठीक कह रहे हैं, मगर पाकिस्तान के साथ भी इनका मैच होने वाला है और दोनों टीमें दोनों हार के आ रही हैं, ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है, दोनों टीमें चौक की हैं, तो अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच को आप कैसे देख रहे हैं, उसका पल्ला भारी होने वाला है। वो अभी उससे पहले पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हर्डल पार करना है ऑस्ट्रेलिया वाला, अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाला हर्डल पाकिस्तान ने पार कर लिया तो पाकिस्तान ही फेवरेट होगा इस परफॉर्मेंस के बाद, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी परफॉर्मेंस बेटर है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जीत जाते तो पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है वो भी ऊपर जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में इमरान कहीं ना कहीं लैग कर रही है, लैग अभी जो हमने इंडिया के खिलाफ मैच देखा है, मगर मुझे ऑस्ट्रेलिया की भी वो परफॉर्मेंस नजर आई, बेशक उन्होंने जीत जो है वो अपनी जड़ी है, मगर उसमें वो परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस नहीं उनकी नजर आई अभी तक। देखिए जो इस बार जो वर्स्ट स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया की तरीका, ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा वर्ल्ड कप की तरीके में ना डोमिनेट ही किया है। ये एक वाइट ऑस्ट्रेलिया टीम है जो कि अपने पहले दो मैच हारी है लेकिन उसने कम बैक कर लिए श्रीलंका के अलावा, बड़ी मुश्किलों जीते लेकिन कम बैक है, दो पॉइंट्स उन्होंने ले लिए, जैसे मर्जी लिए कम बैक तो उनका कंसीडर किया जाएगा। तो ये स्कोर जो है वो आपको पता है मानी जीरो आउट पे चेस किया करते थे बल्कि एक दो आउट पे चेस किया करते। यही बता रहा हूँ कि इसी ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान को इस मैच में फेवरेट करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के पास चांसेस इसी वजह से है कि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम में बहुत खराब खेल रहा है। अगर आप टूर्नामेंट के स्टार्ट में देखते तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट था, लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस दे रही है और जो दूसरी टीम परफॉर्मेंस दे रही है तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा चांस होगा कि अभी भी अगर सेमीफाइनल में नहीं जाते दूसरी टीमों की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से सारी जो ऑड्स है वो पाकिस्तान के फेवरेट में आ रहे हैं। एक और बात भूलिएगा मत कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वर्ल्ड कप में जो है वो एक दफा भिड़ चुके हैं, बेशक वो वामा मैच में भिड़े थे मगर हम लोग आपस में आमने सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान जो है उसमें शिकस्त भी खा चुका है, तो ये जो है ये अच्छा साइन नहीं है। तब बड़ी अच्छी फॉर्म में थी, अगर वही वाली फॉर्म लग गई ऑस्ट्रेलिया की तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो सकती है। इमरान पाकिस्तान ने अभी तो वर्ल्ड कप हाइड होकर है, मुश्किल किसी टीम के लिए भी हो सकती है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की टीमें फंस गई हैं। सिर्फ डोमिनेट कर रही है तो सिर्फ दो टीमें कर रही है, न्यूजीलैंड और इंडिया, बाकी चार जो टीमें वो फंस रही हैं, छोटी टीमों से अपने मैचेस हार रही हैं। इनके दरमियान जो मुकाबला होने वाला है, इनके जो आपस में जो मैचेस होने वाले हैं बहुत क्रुशियल होंगे। साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका के साथ तो हो गया, इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया का, इस तरह के जो मैचेस हैं ये सारे क्रुशियल साबित होंगे और इनके जो रिजल्ट हैं और मुझे लगता है कि रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अपने मैचेस जो अपनी छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलेगा ना वो आगे जाएगा। देखें इन सबके इंडियन पॉइंट्स ना मुझे लग रहा है कि ना बराबर आने वाले हैं और बराबर आने के बाद रन रेट पे ना कोई टीम्स दो या एक दो टीमें आपको बाहर होती नजर आएंगी। इमरान एक और बात ये है कि जो साउथ अफ्रीका है उसमें उन्होंने एक फायदा उन्होंने ये कर चुके हैं कि वो जो टीम जीती है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जीत चुके हैं। इमरान एक बड़ा हर्डल वो पार कर चुके हैं जो कि पाकिस्तान को अभी करना है, ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है और साउथ अफ्रीका से भी खेलना है और इंग्लैंड न्यूजीलैंड से भी। ये आपको याद छोटी टीम के खिलाफ हमने सिर्फ दो मैचेस में छोटी टीमों के खिलाफ खेले हैं, एक नेदरलैंड के खिलाफ जीता है और एक श्रीलंका के खिलाफ जीता है, अभी हमने साउथ अफ्रीका को भी हराना है, ऑस्ट्रेलिया को भी हराना है, तो जितनी भी बड़ी टीम है सबको अपनी अभी हमने हराना है। पाकिस्तान का एडवांटेज ये नहीं मैं कह रहा कि पाकिस्तान पक्का इस हार के बाद साउथ अफ्रीका के आगे बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान का एडवांटेज ये होगा कि जहां पाकिस्तान ने सात मैच जीतने थे कन्फर्म वहां पाकिस्तान को पांच या छह मैच जीतने पड़ेंगे, तो ये एडवांटेज तो हो गया ना। और अफगानिस्तान से भी अभी हमने जीतना है बांग्लादेश से भी हमारा अभी मैच पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो वो भी जीता है, तो अभी देखिए वर्ल्ड कप अभी वाइड ओपन है, मैं ये नहीं कह रहा अफगानिस्तान भी जिस तरह एकदम से वो जीते हैं और जीत के उन्होंने बताया कि इमरान उनको हल्का नहीं लेना किसी भी सूरत, तो अगर इनमें से अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान में से अगर हमें ने हरा दिया तो ये भी अपसेट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि देखें आज जो हार हुई है इससे किस टीम को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को, कौन सी ऐसी टीम है आपकी नजर में जो आज साउथ अफ्रीका की हार के बाद खुश होगी और वो चाहेगी कि साउथ अफ्रीका और भी मैचेस हारें। और ये भी हमें बताना है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आप किसको जिता रहे हैं और किसको फेवरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में भी हमने बताना है। हमें सारी प्रेडिक्शंस आपने हमें कमेंट सेक्शन में बतानी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।